नमस्कार, आप देख रहे हैं अखाड़ा और आपके साथ मैं हूं शैलेन। पहले कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट। आस आस्था और आंदोलन की लंबी कहानी। 1528 से जो दास्तां शुरू हुई, क्या अब उसमें वो परिणाम आने जा रहा है जिसका इंतजार संत समाज कर रहा था? राम मंदिर आंदोलन से जुड़े संगठन कर रहे, सियासी पार्टियां कर रही, संघर्ष हुआ, हिंसा हुई, दंगे हुए, पर उस दहलीज तक फैसला नहीं पहुंच पाया जो सबको साथ सके। तो क्या अब रोजाना और नतीजा आने तक सुनवाई के सुप्रीम फैसले के बाद राम मंदिर की राह तय हो जाएगी? अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार से सुनवाई रोजाना शुरू हो चुकी है। यह सुनवाई तब तक चलेगी जब तक कोई नतीजा नहीं निकल जाता। मामले में एक पक्षकार निर्मोही अखाड़े ने मांग की है कि विवादित भूमि पर उनका नियंत्रण और प्रबंधन हो। अभी तो यह शुरुआत मात्र है, पर फैसले का इंतजार सबको करना है। और सवाल भी यही है कि अब की बार मंदिर तैयार। तो मध्यस्थता के प्रश्न बने रहे, जिसके बाद अब रोजाना सुनवाई हो रही है। फैसला आने तक यहां पर सुनवाई होगी। मंगलवार से जब सुनवाई शुरू हुई तो निर्मोही अखाड़े ने अपना पक्ष रखा, जमीन पर अपनी दावेदारी पेश की, नवाज को लेकर, वजू को लेकर तमाम जवाब दाखिल किए। आज भी सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा की गई। बारी बारी से हर पक्ष को यहां पर सुप्रीम कोर्ट अब सुनेगा और उस फैसले तक पहुंचने की कोशिश करेगा कि आखिर विवादित जमीन पर किसका हक है, विवादित जमीन पर आखिर होगा क्या। लेकिन आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में, क्या कुछ कह रहे धर्मदास निर्मोही अखाड़ा के पक्षकार, सुनाते हैं पहले आपको। अपना अपना पक्ष लोग रख रहे हैं और जज साहब उस पर बहस भी बहस कर रहे हैं, तो अब जब कुछ नया निर्णय आएगा तभी तो बताया जाएगा कि क्या हुआ। कोई भी निर्मोही अखाड़ा से पूछा जा रहा है, किसी से पूछा रहा है, तो सभी पूछेगा कि कागज दिखाओ। कागज जब तक जब है ये नहीं है तो दिखाएंगे का। तो एक के बाद एक बड़े फैसले, मेगा प्लान, हर मुद्दे पर यहां पर पूरी तैयारी के साथ सरकार आगे बढ़ रही। तो सवाल यही है कि राम मंदिर का जिस तरह से वादा किया गया था, क्या इस बार वो वादा पूरा होने जा रहा? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में मामला था, संवैधानिक स्थितियां थी, संत समाज की उम्मीदें थी, राम भक्तों की अधूरी आस है, क्या वो आस पूरी होनी जा रही है? और ये प्रयास कितना रंग लाएगा, इसी मुद्दे पर आज की बहस, आज का अखाड़ा, जिसके लिए तमाम मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ अनीता अग्रवाल है, बीजेपी प्रवक्ता है, संतोष यादव है, प्रवक्ता आरएलडी है, मतीन खान है, नेता मुस्लिम लीग है, अमरनाथ मिश्रा जी है, अयोध्या सद्भावना समिति से हैं, अध्यक्ष हैं, रजा रिजवी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। शुरुआत करेंगे अनीता अग्रवाल जी, एक के बाद एक बड़े फैसले, मेगा प्लान, राम भक्तों के लिए तमाम उम्मीदें बीजेपी की तरफ से, लेकिन सुनवाई जिस तरह से हो रही, जिस तरह से सवाल हो रहे हैं, एक एक पक्ष यहां पर सुने जा रहे हैं, उसके बाद क्या उम्मीदें बनती नजर आ रही हैं आपको? देखिए श्रेन जी, ये तो हमारा बिल्कुल नज़रिया साफ साफ है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, हम लोग कोर्ट पे डिपेंड है, या तो आपसी सहमति से हो या कोर्ट द्वारा। आपसी सहमति के रास्ते तो खत्म हो गए ना। हाँ, तो इसीलिए अब कोर्ट द्वारा, जो कोर्ट द्वारा निर्णय होगा उसके बाद फिर देखा जाएगा कि रह गया। मंदिर का वादा किया है आपने? नहीं, हमने क्या कहा, हमने जो वादे किए वो हम सब पूरे करेंगे। लेकिन हर पक्ष को सुन रहा ना, जमीन का जो विवादित जमीन का फैसला है। हाँ, तो कोर्ट का फैसला आने का इंतजार हम कर रहे हैं कि कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके बाद इसको देखा जाएगा। और जनता को पूरा भरोसा है हम पे, हमने जो कहा है वो हम करेंगे। लेकिन कोर्ट का हम पूरा इंतजार करेंगे, कोर्ट क्या फैसला देती है उसके बाद ही हम कुछ आगे। अमरनाथ मिश्रा जी, कोर्ट रोजाना सुनवाई कर रहा, निर्मोही अखाड़े ने जमीन को लेकर जिस तरह से दावेदारी पेश की है, आज कागजात मांगे गए तो बोले डकैती में साहब खो गए सारे कागजात, तो ऐसे कैसे दावेदारी पेश करेंगे, कैसे मंदिर का सपना पूरा होगा? हिंदू पक्षकार, आपको क्या लगता है, उस मजबूती के साथ कोर्ट में खड़े हैं जिसकी उम्मीद संत समाज कर रहा, राम मंदिर आंदोलन कर रहा? देखिए, राम जन्मभूमि जो विवाद है 1528 से, ये पूरा परिसर जो है 100-125 एकड़ का, ये श्री रामानंदी पंचदशनाम निर्मोही अखाड़े का था। पूरा एरिया उनका था, उन्हीं के स्वामित्व में सारी चीजें थी। फिर हाई कोर्ट में जब मामला गया, जब फैसला आया 2010 में, तो फिर जमीन तीन भागों में बांटने की नौबत क्यों आ गई? यानी आप साबित नहीं कर पाए? नहीं नहीं, साबित तो किया उन्होंने निर्मोही अखाड़ा ने, मगर उसमें 33% सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दी और 33% उन्होंने रामलला विराजमान को दे दी। रामलला विराजमान की ही सारी जमीन है, निर्मोही अखाड़ा वहां प्रबंधन का काम कर रहा था शुरू से, और सबसे पहला दावा भी उन्हीं का है। मगर निर्मोही अखाड़े ने एक गलती की जिसका उनको खामियाजा आगे आने वाले समय में करना पड़ेगा। जब 9 नवंबर 89 को भूमि पूजन हुआ मंदिर के लिए, बाबरी मस्जिद और विश्व हिंदू परिषद
का ज्वाइंट एग्रीमेंट साइन हुआ और मंदिर निर्माण का भूमि पूजन हुआ, तो निर्मोही अखाड़ा ही मंदिर निर्माण को रोकने के लिए हाईकोर्ट लखनऊ चला गया। ऐसी स्थिति थी। हाँ, ऐसी थी। तो निर्मोही अखाड़ा जो है कहीं ना कहीं मंदिर निर्माण में सबसे बड़ी बाधा हमें नजर आता है। जब रामलला विराजमान का मुकदमा, पक्षकार भी वही है, बाधा भी वही है, तो फिर कैसे मार्ग निकले? नहीं, देखिए आपको सही बात बता दें, 13 हिंदू पक्षकार हैं और 13 हिंदू पक्षकार नहीं, मालिकाना हक का जो सवाल है, टाइटल सूट का जो मामला है, उस पे यहां पर सुनवाई हो रही है। आपको और आपके दर्शकों को ये समझना चाहिए कि रामलला विराजमान का मुकदमा गोपाल सिंह विसारद वो मुकदमा लड़ रहे थे, परमहंस दास जी वही मुकदमा विश्व हिंदू परिषद लड़ रही है। दूसरे त्रिलोकीनाथ पांडे रामलला विराजमान जो भी देख रहे हैं, ये भी विश्व हिंदू परिषद पैरोकारी कर रही है। मुख्य बात यह है कि रामलला विराजमान के लिए बाकी 12 पक्षकार नहीं है, वो लोग अपनी अपनी जमीन बताते हैं कि मेरी है। रामलला की जमीन के लिए वहां हिंदू नहीं, अगर हम ये कह रहे हैं 2019 में कि अब की बार मंदिर तैयार, तो वो दावे आपके पास हैं, वो सबूत हैं, वो साक्ष्य हैं, बिल्कुल हैं, 100% हैं, और उसी के और इनके जो दावे हैं, मतीन खान साहब के जो दावे हैं, जो बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर बाबरी मस्जिद थी, आपने शहीद कर दी उनकी बाबरी मस्जिद, ऐसा है, उनका मालिकाना हक है। इनकी मस्जिद थी ये नहीं थी ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। 33% जमीन जो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी गई थी वो इसलिए दी गई थी कि 1961 में जब सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मुकदमा किया। मतीन खान रिस्पॉन्ड करिए। हमारा तो पहले से रोज अव्वल से एक ही मत रहता है, क्या कोई भी दुनिया के अंदर मस्जिद की तामीर होगी, और कल निर्मोही अखाड़ा ने जो कहा कि वहां तो नमाज पढ़ी नहीं गई, पाक और साफ जगह पर ही मस्जिद को लेकर के ही तभी मस्जिद का निर्माण होता है। हम किसी की भी मतलब एक मंदिर तो बहुत बड़ी चीज है, हम किसी भी आदमी की, किसी भी मजलूम की भी जमीन मंदिर नहीं तोड़ा गया, जाबिराना मस्जिद का निर्माण नहीं करते हैं। ये बहुत वाजे, बहुत बिल्कुल पिक्चर क्लियर है। रजा रिवजी साहब यहाँ बैठे हैं, ये भी बता सकते हैं कि कोई भी किसी की भी जमीन पे हम मस्जिद का निर्माण करते हैं। बताइए अमरनाथ जी, तो बाबर ने कैसे कर लिया? बाबर ने कैसे हमारे मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना लिया? 1800 ईस्वी से पहले की कोई हिस्ट्री, दुनिया के अंदर तमाम हिस्टोरियन लिखे आए हैं, सारी चीजों की हिस्ट्री है, क्यों नहीं आपके पास हिस्ट्री है? आपके पास है हिस्ट्री है, बिल्कुल। फैजाबाद गजेटियर में अंग्रेज लिख गए, और आज फैजाबाद गजेटियर में शैलेंद्र जी इस बात का उल्लेख है। हिस्ट्री बता रहे, बताइए साहब भाई। 1528 में बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ, किसने कराया, कहां पे कराया, किसके आदेश? अयोध्या में हुआ निर्माण, हुआ उसी को तो तोड़ा गया 92 में, वही तो पूरी। आप यही बता दिए कि बाबरी मस्जिद चली आपने बनाई 1528 में, वो जमीन दी किसने? अभी तो यही नहीं स्पष्ट था कि अवध में बाबर आया था कि नहीं आया था, मीर बाकी ने किसके आदेश से बनाया था, कोई आया हो कोई ना आया हो, कोई यहाँ मस्जिद बिलाली है, तमाम मस्जिदें हैं, अब कोई जरूरी को बिलाल कोई आएंगे तभी मस्जिद का निर्माण होगा। अच्छा, आप मस्जिद भगवान राम को इमाम हिंद आप बताते हैं, लेकिन जब बात आती है तो फिर बाबर पे आप अटक जाते हैं, फिर हुमायूं आ जाएंगे, फिर अकबर आ जाएंगे, फिर जहांगीर आ जाएंगे, फिर शाहजहां आ जाएंगे, सारी इमारतों को लेकर इतनी दावेदारी आप पेश करते हैं और इमाम हिंद भी बताते हैं राम को, तो ये दोहरा चरित्र क्यों है फिर आपका? किसने, हमने नहीं कहा इमाम हिंद, आपने नहीं कहा, नहीं माना, अच्छा कि आपने नहीं कहा, ये चलिए इनकी दिल की बात पता चल गई कि और मुसलमान भगवान राम तो हमारे आराध्य हैं, बहुत से मुसलमान भगवान राम को इमाम हिंद मानते हैं, आप नहीं मानते हैं, आप नहीं मानते हैं, इनके इमाम बाबर हैं, इनके इमाम औरंगजेब हैं, इनके इमाम अब्दाली हैं, इनके इमाम हिजबुल मुजाहिदीन हैं, इनका इमाम जैसे लश्करे तैयबा है, इनका इमाम हक्कानी नेटवर्क है। मेरा टाइम दे दिया जाए, यही सब अपने सर्टिफिकेट लेके आया करें और ये सर्टिफिकेट बांट दिया करें कि ये लीजिए ये सर्टिफिकेट आपका, क्यों नहीं रहे फिर आप? क्यों नहीं मान रहे? में जो मैटर है वो बाबरी मस्जिद का मैटर है, और दस्तावेज वहां पर मौजूद है। आज जिस तरह से एंटी मुस्लिम मामला चल रहे हैं, अगर बाबरी मस्जिद के फेवर के पेपर होते तो आज हम इतना खड़े भी नहीं होते। बाबरी मस्जिद का पेपर है इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, हमारे पास सारे दस्तावेज है इसलिए हम लड़ रहे हैं, हमारे पास बाबरी मस्जिद के फेवर के सारे दस्तावेज है इसलिए लड़ रहे हैं। फेवर है, अमरनाथ जी बताइए फेवर में, अमरनाथ जी पहले स्पष्ट कर दीजिए। ऐसा है
कि मतीन साहब जो भी कुछ कहें, अब इनकी बात का ये खाता ना भाई, जो मतीन कहे वही सही। हकीकत ये है, जो इतिहास कोई दूसरा नहीं जान पाया वो इतिहास मेरे पास है। 1528 में 1800 पहले की हिस्ट्री का कोई बता दीजिए, किसी हिस्ट्री दान ने कोई बात लिखी हो। क्या चाहते हैं, क्या चीज, किसने कहा कि वहाँ पर राम जन्मभूमि थी, किसने कहा है? जब वहाँ पर सांप्रदायिक दंगा क्यों हुआ, फिर 1859 में अंग्रेजों ने बारेबंदी क्यों की, अंदर जो है 1800 को इजाजत पहले कोई वहाँ पर हिस्टोरियन के हिसाब से कोई बता दे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस सरयू के तट पर लिखी, उनसे बड़े ये भक्त आ गए, उन्होंने नहीं लिखा तो वो तो संभव 1600 चले गए ना, नहीं लिखी के साथ यहाँ पर उनके सबसे जिनके बारे में वो लिख रहे हो, रामचरितमानस लिख रहे हो, जिनके वो सबसे बड़े भक्त उन्होंने लिखा है, ये बड़े भक्त आ गए। राम मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाई गई, ये बड़े आगे भक्त आ गए। अरे साहब आप कहां के आगे रह रहे हैं, संवत 1680 में तुलसीदास जी का देहांत हो चुका था, तुलसीदास जी ने साफ साफ कहा पर है उसके बाद बाबर आया 1626 ने उसका ध्यान के बाद तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिख दी थी 1526 कब लिखी गई, रामचरितमानस कब लिखी गई, कब लिखी गई बताइए आप, तुलसीदास जी बता रहे हैं, तुलसीदास जी ने कब लिखी है रामचरितमानस, उसके बाद उन्होंने 12 रचनाएं लिखी है, रामलला रचू विनय पत्रिका बनने के बाद में लिखी गई है, सारे मालूम है मौजूद है। आप ऐसे जो खिलाफ कर रहे हैं हिंदू तथ्यों के साथ खिलाफ कर रहे हैं, राम के भक्त है उन्होंने नहीं लिखी, जानकी मंगल सीता मंगल ये सब उन्होंने बाद में लिखी है, हनुमान चालीसा आप कैसी बात कर रहे हैं, उन्होंने तो लिखा कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ, ये संघ की नहीं, ये तो लिखा कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ, इसमें संघ को आप कहां लेके आ रहे हैं, ठीक है संतोष जी आप रिस्पॉन्ड करिए, अरे कहीं नहीं लिखा है, अरे आप तो टीवी पर जो बोलते हैं बस वही सही, अरे आप लोकसभा मगर मजलूम कश्मीरी ब्राह्मणों को मार के हटाया गया, वहाँ के मंदिरों को लूटा गया, उसके बारे में क्या कहेंगे, क्या आ गया है, नहीं आप बताइए, सब चरणों में आ गया भाजपा के। अच्छा ये बात है कश्मीरी आपकी सरकार आखिरी रचना कौन थी सब मैं आपको बता दूंगा, लेकिन संतोष यादव को सुन लीजिए। मैं बताना चाहता हूँ कि देखो मानना जो मामला है वो सर्वोच्च न्यायालय में है और सर्वोच्च न्यायालय को असीमित शक्तियां प्राप्त हैं, उसको डॉक्यूमेंट देखने के आधार प्राप्त हैं, उसको ऐतिहासिक साक्ष्य लेने के तमाम अधिकार प्राप्त हैं और परिस्थित जन्य साक्ष्य लेने का भी उनको अधिकार प्राप्त है। मैं ये कहना चाहता हूं जो डॉक्यूमेंट्री जो बात हो रही है, हमारे यूपी में तीन ही डॉक्यूमेंट मिलते हैं पुराने में, एक 1832 का और एक 1862 का और एक 1356-59 फसली का एक रिकॉर्ड माना जाता है, तीन रिकॉर्ड पुराने माने जाते हैं जिनके आधार पर यह तय होता है कि ये लैंड क्या है। और अगर इनका कोई मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ इतिहास में कुछ भी हुआ, 1526 में कुछ हुआ, 1853 में कुछ हुआ, 1800 मैं वही बताने जा रहा हूँ, 1949 में कुछ हुआ, 1900 मैं वही बताने जा रहा हूँ, बहुत सारी चीजें हुई, मैं वही बताने जा रहा हूँ, समाज में ये जहर वाली मेरी जो बात है आगे बढ़ते रहे, मैं वही बताने जा रहा हूँ, समाधान के रास्तों की बात आई, मेरा ये कौमी एकता की बात आई, जब आपसी सद्भाव की बात आई, जब आपसी आस्था की बात आई, विश्वास की बात आई, तो हम कंधे से कंधा मिलाकर समाज चलना चाहिए, चलना चाहिए
चाहिए क्यों नहीं खड़े हो पाए और अभी बाबरी मस्जिद को ढूंढ रहे हैं, हमको चलना चाहिए वो चाहे जो पक्षकार हो, बड़े वर्ग के साथ नहीं खड़े हो पाए। मेरा ये कहना है कि अगर कोर्ट को इन डॉक्यूमेंट के आधार नहीं मिलते हैं, मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है, ये नहीं तय हो पा रहा है कि ये रिकॉर्ड में किसके नाम दर्ज थी, तो कोर्ट को ये भी पावर प्राप्त है कि परिस्थित आज कोर्ट ने रामलला विराजमान से पूछा कि क्या कभी दुनिया में किसी कोर्ट में ये पूछा गया है कि ईसा मसीह का जन्म बेथनहल में हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं, ये पूछा नहीं जाना चाहिए, जहाँ पे जन्म जिसका हुआ वो तो सिद्ध है, माना जाता है। इस तरह के सवाल लेकर नहीं, नहीं, ये माना जाता है मंदिर में आस्था का फैसला हो रहा, नहीं नहीं आस्था का फैसला हो रहा, लेकिन ये माना जाता है अयोध्या में भगवान राम अगर जन्म लिए हैं तो उसमें हमको बहुत ज्यादा साक्ष्य देने की जरूरत नहीं है, वो माना जाएगा कहाँ पैदा हुए हैं। इस तरह के सवाल क्यों है, क्यों नहीं यहाँ पर ये मानते कि भगवान राम का वहां पर जन्म हुआ था, वहां राम मंदिर था, बाबरी मस्जिद बनी, तो उसके बाद भी इस तरह के जहर, इस तरह की जो खाई वाली सोच, कब तक? बाबर के बहुत पहले भगवान राम पैदा हुए, इसलिए माना जाएगा कि भगवान राम पैदा हुए। टाइटल सूट का मुकदमा है, लेकिन ये सही है कि भगवान राम से लोगों की आस्था है और जाहिर सी बात है। मैं यही सवाल कह रहा हूँ, आप अगर भारतीय इतिहास उठाकर देखेंगे तो सैकड़ों ऐसी जमीन है साहब जो हिंदुओं ने मुसलमान को दी है, मुसलमानों ने हिंदू की। इवन मैं अयोध्या की बात बता दूं तो अयोध्या में भी सबसे बड़ा जो मंदिर है हनुमानगढ़ी, वो भी मुस्लिमों ने हिंदू को दी थी। तो आखिर राम जन्मभूमि पर आकर अटक के हमारी सुई क्यों अटक जाती है? क्या ये सियासी सवाल है? किसी के हित है, किसी की दुकान चली आस्था के नाम पे, जो ये सवाल हमेशा के हमेशा खड़े रहते हैं? राजा जी साहब, भाई जाहिर सी बात है कि आस्था के मसले कौन इसमें फायदा बहुत, देख रहा? बहुत से हिंदू मुसलमान करके मंदिर मस्जिद करके मंदिर मस्जिद देखिए, अगर इसको बहुत आप तय में जाएंगे तो एक कम 1,24,000 पैगंबर टाइम टू टाइम आए हैं, वो कुरान शरीफ में लिखा है, लेकिन कुरान शरीफ में 26-27 पैगंबरों का नाम है, गिनती इतनी आई है, तो ये माना जाता है कि भगवान राम भी एक दिशा देने वाले थे, समाज सुधारक थे, वो एक नया चिंतन देके आए थे, तो वो भी पैगंबर हो सकते हैं, हो नहीं सकते, हो क्या सकते हैं भगवान, पैगंबर हो सकते हैं। एक मिनट रजा रिजवी साहब, माफ करिएगा, जितने पैगंबर आए हैं वो ईमान लेकर के आए थे, ईमान की दावत लेके आए थे या और कुछ लेके आए थे? ये सवाल आप कहां से ले आ रहे हैं? नहीं, मैं पूछ सकता हूं, मैंने आपसे हजरत ने आपसे पूछ रहा हूं कि जितने पैगंबर आए सब ईमान लेकर के आए, ईमान की दावत देने के लिए, सब देने के लिए आए, तो क्या इससे पहले खाने काबा में भूत रखा था, तो इससे पहले जो हजरत दाऊद थे, हजरत ईसा थे, ये नहीं? रजा रिजवी साहब तो ये बताइए ना, खाने काबा के अंदर पैगंबर कैसे आए, किस देश से आए? खाने काबा में सवाल ये है, 365 ताख थे, हर ताख पे बूत रखे थे, लोग वहां मुसलमान ये कहानी थे, ये कहानी आप कहिए साहब, इससे पहले ईमान मैं ये पूछ रहा हूँ कि आखिर जिद कैसी है, जरूरत कैसी है? मस्जिद वहां पर बनी है शैलेंद्र जी, बनाई गई है, सुनिए वो मस्जिद ऐसा है कि इस्लाम, बाबर का इस्लाम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा इस्लाम, औरंगजेब का नहीं चलेगा, इस्लाम ओसामा बिन लादेन का नहीं चलेगा, इस्लाम मोहम्मद साहब बनाई गई, ये औरंगजेब बाबर इन लोगों ने रोक दिया है। आपको बताऊं, जो बनारस में मस्जिद बनी है, जो मथुरा में मस्जिद बनी है, वो मस्जिद कोई भी इस्लामी आदमी, जो इस्लाम का आदमी है, वो किसी मंदिर को सटा के मस्जिद नहीं बनाएगा। मस्जिद का नाम बता रहा हूँ, आप कहाँ खड़े हैं? आप मतीन खान जवाब दीजिए। देखिए, ये जो मस्जिद जर्रार या पूरे दुनिया भर का नक्शा लेकर के आ रहे हैं रजा रिजवी साहब, ये कुरान में है भाई, मैं अपने सुन रहा हूं, ये बात बहुत वाजे है कि मुसलमान किसी भी नाजायज जगह पे मस्जिद नहीं तामीर करता है, उस वक्त से लेकर के कभी भी 1800 ईस्वी और निर्मोही अखाड़ा ने तमाम निर्मोही अखाड़ा ने 1932 के बाद से वहाँ पे नमाज पढ़ी नहीं गई, वजू वहाँ पर हुआ ही नहीं। ईशा की नमाज 22 दिसंबर की रात में बाकायदा नमाज अदा की गई, नमाज अदा की गई, इसके बाद में मूर्तियां जबरन रखी गई, जबरन रखी गई, जमना जी मूर्तियां जबरन रखी गई, जो एफआईआर दर्ज है, एफआईआर दर्ज है, मतीन ने नहीं एफआईआर की है, अयोध्या का जो सर्किल है, जो वहां पूरे वहां पे एफआईआर दर्ज है कि वहां पर रात के अंधेरे में कूद करके मूर्तियां रखी गई, दिस इज द एफआईआर जो दर्ज है, उसके बारे में जानकारी नहीं है, जरा जानकारी सुन लीजिए सर, ये एफआईआर कहें तो उसकी कॉपी भी दे दें इनको, हां दे दीजिए आप। एक पांडे नाम के सिपाही थे जो राम जन्म स्थान पे उनकी ड्यूटी लगती थी, उन्होंने एफआईआर लिखाई है, एफआईआर नहीं, उन्होंने सूचना दी है, सूचना दी कि रात में 22 दिसंबर 1949 को इतने बजे अचानक रोशनी हुई और वहाँ पे भगवान प्रकट हुए, ये तो कह रहे हैं, ये वहाँ पे एफआईआर
मूर्तियां रखी गई बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखी गई ये FIR है। अगर आपके पास है तो आप भी दिखा दीजिए, दोबारा कभी आइए आप दोबारा दिखा दीजिए। ये बता दीजिए चाहते क्या आप भाई, मस्जिद थी वो, दुनिया जानती है, दुनिया के सामने मस्जिद। अरे कई बार आपसे पूछ चुके हैं कि मस्जिद थी, आप उसका मुतवल्ली इमाम बता दिए, आज तक आप बता नहीं पाए। बताइए आप अभी तो क्या कह रहे हैं, क्या बता दें, दावा वापस कर लेंगे? काहे के दावा वापस करेंगे, मस्जिद पर से दावा हटा लेंगे, दावा कौन वापस करेगा? अरे आपका अगर दावा सही है तो आप अपना इमाम मुतवल्ली बताइए, आपका दावा अगर सही है तो आप अपना इमाम मुतवल्ली बताइए। आप खाली इमाम और मुतवल्ली को लेकर के चले, मस्जिद होगी तो इमाम भी होगा मुतवल्ली गलत कह रहे हैं, अगर मस्जिद होगी तो इमाम भी होगा मुतवल्ली भी होगा। बताइए साहब, सही है आप बताइए, बताइए साहब, झूठ मत बोलिए, हरे में दीवार मत खड़ी करिए, बगैर इमाम के कोई मस्जिद नहीं, बगैर मुतवल्ली के कोई मस्जिद। आप तुलसीदास को ले आए, उनके नाम से मानस को आप साथ में सवाल खड़े कर रहे हैं और खुद आप नहीं बता रहे, आप अपना बताइए ना, आप अपना पक्ष बताइए। मैं भी बता दे रहा हूँ, आज को भी जो तकलीफ है वो भी नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हाजी अब्दुल तकलीफ तो मंदिर बनने जा रहा है, तकलीफ तो दूर हो जा रही है। अब्दुल गफ्फार साहब की इमामत में नमाज हो रही थी, ईशा की नमाज हुई है। अच्छा, ये दस्तावेजी चीज मौजूद है, सुन्नी वक्फ बोर्ड कह रहा है हमने आज तक वहाँ कोई मुतवल्ली अपॉइंट ही नहीं किया। 1870 में सुन्नी वक्फ बोर्ड जज हाईकोर्ट आप अपनी सोच मत थोपिए। अनीता अग्रवाल स्पष्ट करिए, श्रेयंग जी सबसे सबको मालूम है कि राम का जन्म वहाँ हुआ था, हमारी रामायण में भी लिखा है, रामचरितमानस में भी लिखा है, और वहाँ पे राम की पूजा होती थी, होती है और हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं, और वहाँ पे जो होती रहेगी और आगे भी होती रहेगी, क्योंकि राम का वहाँ अस्तित्व पूरे तरह से हर वहाँ पे तो अस्तित्व ही नहीं मान रहा है, ये कह रहे हैं कि रामचरितमानस में लिखा ही नहीं है, कणकर वहाँ के मुसलमान भी कह रहे हैं कि राम, अरे रामचरितमानस धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है मतीन खान, धार्मिक ग्रंथ है, वो कोई ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने 200 किताबें लिखी हुई है, रामचरितमानस में क्या हिस्ट्री लिखी हुई है, कि किस सर ने क्या हुआ, स्वामी विवेकानंद ने 200 किताबें लिखी है, कहीं उनको नहीं याद है, देखिए स्वामी को याद आ गया सिर्फ, स्वामी विवेकानंद ने जो भी पुस्तकें लिखी है वो सनातन धर्म पे लिखी है, राम जन्म पे कोई किताब उन्होंने लिखी है, उन्होंने राम को उनको नहीं याद आया, आप धार्मिक ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ में फर्क नहीं समझते, मतीन खान को नहीं याद आया, धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ में नहीं समझते, और जानकी मंगल में आप बहुत बड़े विद्वान है, वो विद्वान नहीं थे, अरे भाई उनकी विद्वता को कौन प्रश्न लगा रहा है, उन्होंने राम के इतिहास को कोई किताब नहीं लिखी है, राम मंदिर के बारे में ये बताइए, एक मिनट अनीता जी, एक मिनट अनीता जी, मतीन खान साहब नई चीज क्या, मतलब इमाम धार्मिक ग्रंथ में और ऐतिहासिक ग्रंथ में नहीं होता क्या? संतोष यादव जी रिस्पॉन्ड करिए, जिस तरह से कह रहे हैं क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। मेरा ये मानना है कि देखो हिंदू धर्म पुरातन धर्म है, वैदिक धर्म है, और मुस्लिम धर्म का खैर मुझे ये नहीं याद है कब, 1500-1400 साल हुआ है, और भगवान राम का जन्म उससे बहुत पहले हुआ, और पूरा हिंदुस्तान एक एक बच्चा ये मानता है कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ, ये नहीं मान रहे ना, ये तो मान रहे हैं, इनका फैक्ट है, लेकिन ये और ये बात सुन लीजिए कि रात में दीवाल लांग कर मूर्तियां रखी गई 1949 में, वहां ये बात नहीं है कि मूर्तियां रखी गई कि नहीं रखी गई, बात तो ये है कि भगवान राम का जन्म वहां हुआ है, मूर्तियां रखी गई, मंदिर होना चाहिए, डिस्प्यूट नहीं है, मंदिर होना चाहिए, अगर जन्म हुआ तो मंदिर होना चाहिए, ये हिंदू धर्म और आस्था का प्रमुख है, दुनिया जानती का उदाहरण भगवान राम का जन्म हुआ है, और ये रामायण से लेकर के महाभारत तक जहां जहां उनका विजय है यहाँ यहाँ का अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ है। ठीक है, राजा रिजवी साहब रिस्पॉन्ड करिए, राजा रिजवी साहब रिस्पॉन्ड करिए, रिस्पॉन्ड करिए, मतीन खान साहब के जो दावे हैं, जिस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं धर्म को लेकर, ये सब मजहबी बंदिशें, मजहबी दीवारें क्यों खड़ी की जा रही हैं? देखिए ऐसा है, मामला क्यों सुप्रीम कोर्ट में गया, आस्था के प्रश्न जो है समाज में ही सद्भाव से क्यों नहीं हल हो पाए?
देखिए ऐसा है जो टाइटल सूट था और आस्था का प्रश्न आ गया, लेकिन हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो हाईकोर्ट ने जजमेंट जब देखा कि आस्था का मसला है तो एक 33% हिस्सा जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी दे दिया कि भाई ऐसा है कि देश के अंदर जबकि वहां राम मंदिर था और मस्जिद बनाई गई तो वहां पर अगर उसका निर्माण होता तो ये टुकड़ा जो 33% मिला है इसी पर सुप्रीम कोर्ट को इसी पर निर्णय करना है कि क्या घूम फिर 33% रामलला विराजमान को, निर्मयो अखाड़ा को, सुन्नी वक्फ बोर्ड को। सुन्नी वक्फ बोर्ड तो एंट्री कर ले गया, वो मस्जिद तो मीर बाकी ने बनाई थी। मीर बाकी किस जात के थे सबसे पूछ लीजिए, मीर बाकी के निर्माण नहीं किसी भी जात के थे, मीर बाकी की जात पूछेंगे क्या, बाबर की जात बताएंगे क्या, अब यही तलाश जाएगा। ये कहना है कि इस्लाम मोहम्मद साहब का चलेगा, इस्लाम जो उसामा बिन लादेन का नहीं चलेगा। मीर कासिम जाएगा तो कोई भी मस्जिद अगर बन गई तो कोई मस्जिद नाजायज जगह पे कोई बनाई गई, नमाज तो आप किसी के घर में भी जाएंगे तो पूछ के पढ़ेंगे, किसी घर में भी जाएंगे तो गलत तरीके से बनाई गई, गलत तरीके से बनाई गई। आप परमिशन ले कर नमाज पढ़ेंगे, नमाज आप जो है एक मिनट राम का राम, ठीक है अनीता जी मदीन खान साहब बाबर कहाँ से आया था, मीर बाकी कहाँ से आए थे, मीर बाकी कहाँ के सेनापति थे, किसी दूसरी दुनिया से आए थे, ईरान से आए थे क्या, उनकी मालकाना हक, उनकी जमीन की जो बात आप कर रहे हैं उसके क्या साक्ष्य हैं? नहीं उससे आपको उसको क्यों जोड़ रहे हैं, ये कौन सा तर्क है आपका, किसी के भी नाम से कोई मंदिर नहीं सकती है, तमाम धर्म स्थल दूसरे नामों से होते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि किसी नाम से हो गया तो उसी से मंत्र हो गया। हमको ज्यादा से रिस्पॉन्ड कर, नहीं पूजा कर सकते हैं बाबर की, आप बताइए आप किसकी पूजा कर सकते हैं, बताइए आप किसकी वंशज से, बताइए आप बताइए किसकी वंशज से, आप वंशज किससे हैं, अरे आप किसकी वंशज से बताइए, आप बताइए किसकी वंशज से, आप किसकी वंशज से बताइए, भगवान राम वंशज है, भगवान राम आपके भी पूर्वज थे, आप भी उन्हीं के वंशज हैं, नहीं हम उनके वंशज बिल्कुल है, फिर बिल्कुल है, हम आदम अलैहि सलाम के वंशज आप हैं, रजा रिज़वी साहब ऐसे बताइए किसकी वंशज से आप, रजा रिज़वी आदम अलैहि सलाम की, ये देखिए है आदम अलैहि सलाम की वंशज से, हम किसी अंबिया की पूजा नहीं कर सकते, हम किसी पूजा नहीं कर सकते, हम किसी की बात मानेंगे, बड़े की पूजा नहीं कर सकते, पूजा करेंगे ये ISI की पूजा करेंगे, की पूजा करेंगे, जैसे मोहम्मद की पूजा करेंगे, करके कोई मस्जिद बनाई गई है, संतोष यादव जी को करिए, संतोष यादव जी को बोलने दीजिए, संतोष यादव जी को बोलने दीजिए, बाबर की पूजा करेंगे, बाबर आपके पूछनी है बताइए, ठीक है हम तो अपने बाप की भी पूजा नहीं करते, हम तो अपने अल्लाह के रसूल की भी पूजा नहीं करते, हम तो किसी उसकी पूजा नहीं करते जो बनाया गया है, जो पैदा हुआ है ना, एक एक करके पूजा करते हैं जिसने सबको पैदा किया है, तो राम है वो, राम की सबकी पूजा करते हैं, आपको भी राम की पूजा, ठीक है संतोष यादव जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक फैसलों में यह बात कहा है कि किसी भी व्यक्ति को एडवर्स पोजीशन के आधार पर राइट नहीं क्रिएट होते हैं, कोई भी बात अगर आतंकी है और हमारे घर पे मकान पे कब्जा कर लेता है या कहीं पे जमीन जोत लेता है तो उसको उस पे राइट क्रिएट नहीं होते हैं। तो ये जो मंदिर और मस्जिद का मामला है,
मंदिर के ऊपर अगर मस्जिद एडवर्स पोजीशन के आधार पे कोई जबरदस्ती आकर के हमारे देश में उसको कब्जा करके बना लेता तो उसको राइट नहीं क्रिएट होते हैं, उस पे उनको राइट नहीं मिलेंगे। ये सर्वोच्च न्यायालय तमाम फैसलों में कह चुका है कि मतीन साहब की जमीन पे कोई कब्जा कर ले और हम जाए कहें हम राइट हो गए हमारा, अब बताइए इनको राइट नहीं मिलने वाला। बता रहे थे, अब बताइए मस्जिद का सवाल, राइट मिले ना मिले सुप्रीम कोर्ट है, सबको उसकी बात मानना पड़ेगी, उसके बगैर कोई वहां पर कुछ कर नहीं सकते। वेरी गुड बात। आप बाबरी मस्जिद क्यों चाहते हैं, मस्जिद पे आप बाबरी एक मत है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसका सम्मान करेंगे। करना भी पड़ेगा। जो हाई कोर्ट लखनऊ फैसला आया था वो टाइटल सूट को डिसाइड करना था कि जमीन का मालिक कौन है, और वो किन्हीं अपरिहार्य कारणों से उस जमीन का बंटवारा कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट को जो बंटवारा है उस जमीन का निर्णय लेना है कि जमीन रामलला विराजमान की है या किसी और की। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, 17 साल लिब्रायन आयोग ने ले लिया 1992 के बाद, और उसके बाद 2010 में हाईकोर्ट ने फैसला किया, 9 साल हम इधर चले आए, 2025 की तारीख भैया जी जोशी बता रहे हैं, तो ऐसे समाज में विभाजन की स्थिति बनी रहेगी, ऐसी निर्भरता बनी रहेगी। देखिए अभी कोर्ट से बाहर सामाजिक सद्भाव के विषय, आपसी आस्था के विषय को क्यों सुलझाने में फेल रहे। फेल इसलिए रहे कि ये दोनों धर्मों की आस्था का मामला है, और हमारा राम इनकी कौन सी आस्था। देखिए इनकी आस्था ये है कि जहाँ पूजा हो रही हो, जहाँ मूर्ति रखी हो, उन मंदिरों को तोड़ो, कब्जा करो, उस पे मस्जिद बनाओ, ये इनकी आस्था है। अच्छा। इनकी और यही होता रहा है, यही इन्होंने जम्मू कश्मीर में किया, हजारों मंदिरों को तोड़ा, कश्मीरी ब्राह्मणों में मार किया, घरों में कैद किया, अलगाववादियों के नाम पर जो दुकानें चला रहे थे वो बंद हो रहे, इसलिए आपको दर्द हो रहा। कौन अलगाववाद के नाम पे दुकान चला रहा था, मतीन चला रहे थे, कौन, तो फिर आपको दर्द क्यों हो रहा, 144 का पहली बार किस शहर में लगी है, किसी राज्य में पहली बार लगी है, अरे साकार दर्द क्यों हो रहा, अगर कश्मीर में इस लगी तो दर्द क्यों हो रहा, चला रही थी, अरे आपको वहां का दर्द क्यों हो रहा, आपकी सरकार चल रही थी, हमारी सरकार तो पूरे देश में चल रही है, बीजेपी दुकान चला रही है, आजादी की बात की जा रही है, देश में चल रही है, आज भी वही काम किया। अगर आज एक धारा 370 हटी है उसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है, वहाँ का विकास होगा, वहाँ पे शिक्षा है, सवाल आपकी सरकार का नहीं है, सवाल आज हम मिलता है कि रोजाना सुनवाई, नमस्कार। आप ही